नमस्कार मेरे दोस्तों। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री स्थित हैं। लेकिन इसी के साथ गढ़वाल और कुमाऊं से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक कई ऐसे सिद्ध मंदिर विराजमान हैं, जिनमें श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा है। देवभूमि के कण कण में ऐसे किस्से और कहानियां हैं जो कि श्रद्धालुओं को रोमांचित ही नहीं बल्कि भक्ति में भी कर देती है। आज देहरादून के एक ऐसे ही मंदिर से आपका मैं परिचय करवाऊंगा, जो कि प्रदेश के जैतूनवाला की पहाड़ी पर विराजमान है। ये है माँ संतरा देवी का मंदिर। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि आज तक कोई भी श्रद्धालु यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा। श्रद्धालु मन्नत पूरी होने के बाद दोबारा मंदिर में अवश्य आता है और अपनी श्रद्धा के अनुसार माँ को भेंट लगाता है। गढ़ी कैंट के वीरपुर में पोस्टिंग आने वाले गोरखा रेजिमेंट की पलटन अपने कार्यकाल में माँ को कुछ ना कुछ भेंट करके जाती है और संतला माँ सीमा पर उनकी सुरक्षा करती है। तो संतला देवी की कहानी बहुत पुरानी है। औरंगजेब के सेनापति ने अपने बादशाह को बताया कि देहरादून के संतौरगढ़ में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती है और इस पर औरंगजेब ने शादी का प्रस्ताव संतला देवी के लिए भेज दिया, लेकिन सनातनी संतला देवी ने मना कर दिया और इस पर मुगलों की सेना ने संतौरगढ़ पर हमला कर दिया। संतला देवी और उनके भाई संतौर ने मुगलों से युद्ध किया। इस युद्ध के दौरान जब संतला देवी को लगा कि मुगल युद्ध में भारी पड़ रहे हैं, तो वो एक स्थान पर बैठकर ध्यानमग्न हो गए। कहा जाता है इसी दौरान बिजली गिरने से मुगल सैनिक अंधे हो गए। औरंगजेब के सैनिक संतौरगढ़ की पहाड़ियों से नीचे गिरने लगे। ऐसे में कई सैनिक जान बचाकर भी भाग गए। इसके बाद संतला देवी एक शिला में परिवर्तित हो गई। संतला देवी मंदिर में शनिवार का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन माँ संतला देवी पत्थर में परिवर्तित हुई थी। कई लोग ये भी मानते हैं कि आज भी माँ संतला देवी की मूर्ति पत्थर में परिवर्तित होती है। इस कारण शनिवार का संतला देवी में एक विशेष महत्व है और शनिवार को श्रद्धालुओं की अटूट भीड़ होती है। पूरे रास्ते में इतनी ज्यादा धूप हो रही है, खाली गर्मी से मरने से तो बेटर है। सुबह 5 मिनट के लिए मौसम बदलता है। सुबह 5? हाँ सही में सुबह तो ऐसा हो गया था कि मैसेज भी आ रखा है कि थंडरस्टॉर्म ओलावृष्टि होगी। भाई साहब इतनी गंदी धूप हो रही है, बहुत बुरी धूप हो रही है। सबके सब मैसेज जलते फिरते आ रहे हैं। छाता छाते ने बचा लिया? कुछ नहीं बचाया छाते ने, मतलब मैं तो बच रहा हूँ, बाकी ऐसी इसके ऊपर वो है राज यार। ऐसी टी शर्ट में बहुत गर्म है, धूप देखो तुम। यार संतला देवी एक बार मैं बहुत पहले आया था अपने घर वालों के साथ, मैं भी बहुत छोटी थी तब, मैं तो ऊपर ना काफ़ी बली वली दी जाती थी बकरों की और ये सब, तो इसके ऊपर केस वगैरह हुआ था। सबसे नीचे जहाँ से एंटर करोगे ना वहाँ पे लिखा भी है कि इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बट स्टिल लोग कर ही रहे हैं वो सब। तो बस यही है यार, ऐसी जगहों पर ये सब ठीक नहीं है। तुम आती आना तुम, और हाँ जब भी आओ, जब धूप ना हो तभी आओ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। धूप देखो इतनी तेज़ चटक धूप हो रही ना, बहुत ज़्यादा तेज़। यहाँ से जाओगे ना नीचे हाफ फ्राई होके जाओगे, थोड़े से धीमे आँच पे भुन तो सभी जाओगे। बहुत सही में इतना वो है ना, जैसे लहसुन डालते ना पहले थोड़ा सफ़ेद सा, फिर बाद में से निकलते ना भूरा काला, वैसे ही भूरे और काले शेड में निकलोगे यहाँ से। ऐसे दिन पे मत आना, बहुत तेज़ धूप है भाई, बहुत तेज़। कुछ हो ना हो घर वाले डिसोन कर देंगे, पहचानेंगे ही नहीं, सोचेंगे डिलीवरी वाला आ रखा, वैसी हालत हो जाएगी यहाँ जाते जाते। पर जगह देखो, तुम्हें पीछे वाले कैमरे से दिखाता हूँ कितना बढ़िया लग रहा, शांति एकदम, और जंगलों के बीच में। पर बेकार यार, गर्म बहुत हो रहा है, बहुत मतलब बेकार ये कह रहा हूँ कि गर्मी बहुत हो रही है। इससे बढ़िया तो बारिश ही हो जाती, सुबह इतना बढ़िया मौसम हो रखा था और अभी मौत के अंगारे गिर रहे हैं। हाँ तो पहुँच गए हैं मंदिर के प्रवेश द्वार पे, मतलब पहुँच ही चुके हैं। प्यारा सा टोकी, ये देखो कैसा दिखता है यहाँ से, पीछे के कैमरे से तो उतना अच्छा दिख नहीं रहा। ले ले ले, रख ले रख ले अपना दुपट्टा, जोर से खींच रही गर्दन छिल दी यार। नदी वाला हिस्सा दिख रहा पूरा, फ्रंट कैमरा अच्छे से वीडियो नहीं बनाता इसलिए मैं बैक कैमरे से ही बनाता हूँ सारी की सारी, बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो देखो एकदम बढ़िया, वो सामने वाला पहाड़ कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम फ्लैट कटा हुआ, बीच में नदी का, नदी की वजह से कटा क्या, इतना ज़्यादा तो कट नहीं सकता खैर, बट हाँ ये देखो पहाड़ी रेंज और वोरा डकैत। तो संतला देवी घूमने के बाद हम गए
देहरादून में जो किसी ज़माने में हुआ करता था लुटेरों का अड्डा यानी रॉबर्स केव। तो रॉबर्स केव 600 मीटर लंबी एक गुफा है जिसमें अंदर से पानी बहता है। इसमें जो झरना है सबसे ऊंचा वाला वो करीबन 10 मीटर ऊंचा है। इसके अंदर अंदर चल के काफी एडवेंचरस सा है और काफी मजा आएगा आपको, यूनिक लगेगा, काफी मजा आता है। अंधेरा, फिर कहीं पे उजाला, ऊपर से हरे पत्ते दिख रहे हैं, बिल्कुल पहाड़े से बीच में से रोशनी आ रही है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आप संतला देवी आए तो आप इस जगह को ज़रूर विजिट करना। 35 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे एंट्री है। और यहाँ अंदर घूमने के लिए अंदर जाके अगर हो सके तो अपने साथ कैरी करना एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, क्योंकि गीले हो जाओगे, और टॉवल वगैरह। और हाँ, अंदर पे मैगी पॉइंट वगैरह भी है, खाने के लिए मिल जाएगा, बट अपने साथ अगर कैरी करना चाहो तो कर सकते हो। और फिर मिलता हूँ अब मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।